बचो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या काठमांडू इस चैप्टर में हमने पहले भाग में जाना है पशुपतिनाथ और उसके आसपास के माहौल के बारे में अब जानते हैं बौद्धनाथ स्तूप के बारे में जो कि दूसरी जगह है जहाँ पर लिखा गया है चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत एट द बौधनाथ स्तूप बौद्धनाथ स्तूप पर द बुद्ध श्राइन ऑफ काठमांडू जो क्या है बुद्धों का पूजा स्थल है काठमांडू में देयर इज वहाँ पर है कॉन्ट्रास्ट ठीक उल्टा यानी कि पशुपतिनाथ में क्या हो रहा है बच्चों बहुत ज्यादा कोलाहल है हंगामा है पर इस मंदिर में ये मंदिर है क्या देखिए पूजा स्थल है बुद्धों का इस पूजा स्थल में क्या है बिल्कुल ठीक उल्टा है अ सेंस ऑफ स्टिलनेस यहाँ पर क्या है एक प्रकार की शांति है इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंक्ड बाई अ रोड इसका ये जो विशाल सफ़ेद डोम है गुम्बद है इस रिंग वो घिरा हुआ है सड़क से स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो उसके बाहरी किनारे पर हैं मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिब्बतियन इमिग्रेंट्स और ये जो बहुत सारी दुकानें हैं वो क्या हैं ओन्ड हैं ओन्ड का मतलब क्या है भाई उन पे उनको चला रहे हैं तिब्बत के इमिग्रेंट अप्रवासी फेल्ट बैग्स तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर क्या क्या खरीदा जा सकता है यहाँ से बैग्स तिब्बतियन प्रिंट्स के और चांदी की ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है ना? यानी कि आभूषण चांदी के वो खरीदे जा सकते हैं कैन बी बॉट हियर खरीदे जा सकते हैं यहाँ से देर आर नो क्राउड्स दिस इज अवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड और यहाँ पर क्या है इस मंदिर के आसपास कोई भीड़ नहीं है और ये क्या है बच्चों एक शांति का क्या है स्वर्ग समान है इन बिजी इन व्यस्त सड़कों पर काठमांडू इज विविड मिशनरी रिलीजियस विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोंट काठमांडू क्या है बहुत ज़्यादा विविड है मर्सनरी है विविड है मतलब सजीव है मर्सनरी है धन लोलूप है रिलीजियस है धार्मिक है विथ स्मॉल जहाँ पर छोटे पूजा स्थल हैं और क्या है टू तो फ्लावर अडोंट यानी कि फूलों से सुसज्जित डाइटीज़ हैं यानि कि देवी देवता हैं अलॉन्ग विद नैरोस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स और कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा संकीर्ण और व्यस्त सड़कों पर यानि कि यहाँ पे एक अजीब सी शांति और बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का माहौल है बच्चों यहाँ पर धन लौलूप भी है विविध भी है सजीव भी है धार्मिक भी है तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए पहला है श्राइन श्राइन का मतलब होता है पूजा स्थल कॉन्ट्रास्ट यानी कि ठीक उल्टा स्टिलनेस मतलब शांति इमेंस यानी कि विशाल डोम का मतलब होता है गुंबद रिंग यानी कि घेरा हुआ इमिग्रेंट्स यानी कि अप्रवासी ज्वेलरी यानी कि आभूषण क्राउड्स मतलब जन समूह या फिर भीड़ क्वाइटनेस का मतलब होता है शांति विविड मतलब सजीव मर्सेंड्री यानी कि धन लोलूप रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और फ्लावर्ड अडोन्ट मतलब फूलों से सुसज्जित तो यहाँ पर छोटे छोटे पूजा स्थल है जिसमें फूलों से सुसज्जित देवी देवता हैं विथ फ्रूट सेलर्स और क्या क्या है यहाँ पर फ्रूट सेलर्स है फल बेचने वाले हैं फ्लूट सेलर्स हैं फ्लूट क्या होती है बाँसुरी तो बाँसुरी बेचने वाले हैं हॉकर्स ऑफ कार्ड्स फेरी लगाने वाले हैं जो बेच रहे हैं कार्ड्स शॉप सेलिंग वेस्टर्न कास्मेटिक्स और दुकानें भी हैं जो कि बेच रही हैं पश्चिमी कास्मेटिक्स फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स कॉपर यूटेंसिल्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती हैं फिल्म रोल्स चॉकलेट कॉपर के बर्तन एंड नेपलीस एंटिक्स और नेपाल की एंटीक चीज़ें फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़ जो फिल्म सॉन्ग्स हैं यानी कि जो कि पिक्चरों के गाने हैं वो ब्लेयर आउट हो रहे हैं बज रहे हैं रेडियो में कार हॉर्न साउंड्स और क्या क्या आवाज़ें हैं कार के हॉर्न की आवाज़ बाइसिकल बेल्स रिंग्स और जो बाइसिकल की जो बेल है बाइसिकल यानी कि साइकिल तो साइकिल की जो घंटी है वो स्ट्रेक आउस लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकिल्स और कौन कौन है स्ट्रे काउस यानि कि आवारा गायें हैं जो कि देखती हैं क्वेश्चनली यानी कि प्रश्न करते हुए मोटरसाइकिल से वेंडर्स शाउट आउट देर वेयर्स और जो वेंडर्स हैं जो बेचने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं चिल्ला रहे हैं अपने माल को बेचने के लिए आई एंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली मैं क्या करता हूँ खुद को व्यस्त कर लेता हूँ माइंडलेसली यानी कि बिना सोचे समझे हुए बाइंग अ बार ऑफ मार्जीपिन खरीदते हुए एक बार मारजीपान का अन ऑन द कॉप रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर बच्चों ये जो बार ऑफ मारजीपान है ना इसका मतलब क्या है एक तरीके से हम समझ सकते हैं काजू की बर्फी एक कॉर्न ऑन द कॉब यानि कि एक भुट्टा लेता हूँ जो कि रोस्टेड किया गया है भुना गया है चारकुल ब्रजियर पे यानी कि चारकुल की, की अंगीठी पे ऑन द पेवमेंट यानि कि जो पैदल चलने का पथ है वहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ भाई काजू की बर्फ़ी ख़रीदता हूँ कॉर्न ऑन द कॉब यानि कि भुट्टा खरीदता हूँ जिसको भुना गया है उस पैदल पथ पर मौजूद एक अंगीठी पर क्या क्या शब्द है बच्चों यहां पे देखिए हमें दोबारा साथ में रिवाइज करना है पहला है डेटिस का मतलब होता है देवी देवता यानी कि सबसे संकीर्ण स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़कें ब्लेयर आउट यानी कि बजते हैं क्वेश्चनली यानी कि प्रश्न करते हुए यानी कि माल इंडल्स यानी कि व्यस्त या फिर लिप्त होना माइंडलेसली यानी कि बिना सोचे समझे रोस्टेड यानी कि भुने हुए ब्रजीयर मतलब अंगीठी पेवमेंट का मतलब होता है पथ तो मैंने क्या किया है बच्चों एक भुट्टा ले लिया है और काजू की बर्फी ली है रब्ड विद सॉल्ट और उस भुट्टे को क्या कर दिया गया है उसके ऊपर रगड़ा गया है नमक चिली पाउडर मिर्ची का पाउडर एंड लेमन और नींबू अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट और मैं क्या करता हूँ एक दो लव स्टोरीज खरीदता लव स्टोरी वाली कॉमिक्स ख़रीदता हूँ और रीडर्स डाइजेस्ट ये भी एक किताब है वो लेता हूँ ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला इन सब चीज़ों को यानि कि वो जो मैंने बर्फ़ी ली थी और भुट्टा लिया था वो मैं वॉश डाउन कर लेता हूँ यानी खा लेता हूँ एक कोको कोला के साथ एंड अजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक और एक वमनकारी औरज ड्रिंक के साथ एंड फील मच द बेटर फॉर इट और अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करता हूँ आई कंसिडर वॉट राउट आई शुड टेक बैक होम फिर मैं ये विचार करता हूँ कि कौन सा मार्ग मुझे लेना चाहिए वापस घर जाने का इफ़ आई वुड प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाजम फॉर ट्रेवल बसे आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना अगर मैं प्रेरित होता उत्साह से वापस घर जाने के लिए तो मैं ये बोलता कि मैं बसे या ट्रेन से जाऊँगा वापिस पटना तो क्या क्या शब्द है यहां पे बच्चों पहले हम देखेंगे वो उसके बाद आगे की कहानी को जारी रखेंगे तो देखिए का का मतलब, रब्ड का मतलब होता है रगड़ा हुआ यानी कि वमनकारी का मतलब होता है विचार करना राउट यानी कि मार्ग प्रोपेल्ड यानी कि प्रेरित किया और यानी कि उत्साह। अगर मैं उत्साह के लिए उत्साह से प्रेरित होता कि मैं वापस से जो यात्रा है वो करूं और मेरे को यात्रा पसंद होती तो मैं ये कहता कि मैं बस या ट्रेन से जाऊंगा, देन सेल अप द गैन्जेस पास्ट और उसके बाद जल यात्रा करूंगा गंगा के ऊपर बनारस टू इलाहाबाद और वो जल यात्रा कहाँ से करूंगा बनारस से इलाहाबाद गंगा में देन अप टू यमुना फिर मैं जाऊँगा यमुना पास्ट आगरा टू डेली आगरा से दिल्ली बट आई एम टू एग्जॉस्टेड पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ एंड होमसिक और ग्रह सक्त हूँ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त आज आखिरी दिन है अगस्त का गो होम आई टेल माई सेल्फ और मैं खुद को क्या बोलता हूँ कि घर जाओ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ो आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस मैं जाता हूँ नेपाल के जो एयरलाइंस का ऑफिस है वहाँ एंड बाय अ टिकट फॉर टमोरोज़ फ्लाइट और मैं खरीदता हूँ एक टिकट कल की यानी आने वाले कल की फ्लाइट के लिए तो बच्चों ये देखिए चार मीनिंग्स ही पढ़े हैं हमने चारों मीनिंग को दोबारा रिवाइज करते हैं पहला है सेल सेल यानी कि जल यात्रा एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ होमसिक यानी कि ग्रहासक्त और डायरेक्टली मतलब सीधा तो मैं जाता हूं नेपाल के एयरलाइंस ऑफिस और कल की एक टिकट खरीदता हूं फ्लाइट की तो बच्चों किस प्रकार से ये अपनी आखिरी यात्रा करेगा घर के लिए काठमांडू से जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में